सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ इंडक्शन नाम से ही पता लग रहा है, सेल्फ का मतलब अपने अंदर, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने वाली है। तो अपने ही अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा होना, अब मेरे अंदर नहीं ऑब्वियसली कॉइल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब ये ना एग्जांपल के साथ समझ में आएगी बात, ऐसे समझ में नहीं आती। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक, सोलेनोइड ही लेना है, सिंपल वायर नहीं लेनी। तो आपके पास एक सोलेनोइड है, ये रहा सोलेनोइड, ठीक है। इसके अंदर इमेजिन करें मैंने करंट सेंड किया आई, और करंट को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज बढ़ा रहा हूं, ठीक है। करंट को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक, करंट को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। करंट जब बढ़ेगा तो इसके एक्सिस के ऊपर बी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, सही है। अगर करंट बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। अब ये कॉइल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, सोचो एक लूप है। आप जब पिछले चैप्टर, अभी पिछले पिछले हफ्ते जब आपने इसका बी बढ़ाया, इसने रेजिस्ट किया, कहता कैसे कैसे बढ़ गया, मैं इसको अपोज करूंगी, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगी, और उसको जनरेट करने के लिए अपने अंदर करंट पैदा कर लेगी, अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर लेगी, जो आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगी। तो होगा क्या, जब आप यहां पर करंट बढ़ाएंगे तो ये अंदर ही अंदर आपको दिखेगा नहीं, इंड्यूस्ड करंट पैदा कर लेगी और आपके इंक्रीजिंग बी को ये अंदर ही अंदर अपोज करेगी। आप पीछे से करंट बढ़ाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर ये एक ऐसा इंड्यूस करंट पैदा करके आपके करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि करंट बढ़ने से इसका बी बढ़ता है, इसका फ्लक्स बढ़ता है, और लेंज लॉ कहता है कि कोई भी कॉइल अपने फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगी, अपोजिशन के चक्कर में आपने आपके करंट को कम करेगी, कैसे, उल्टा करंट पैदा करके। लेकिन अगर आप सपोज इसकी बात मान लें और कहें चल ठीक है यार, तेरा करंट मैं बाहर से क्या कर देता हूँ, डिक्रीज, तो तेरा बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब कॉइल नाराज हो गई फिर से, वो कहती है ऐसे कैसे डिक्रीज कर दोगे, अब मैं अंदर ही अंदर करंट ऐसे पैदा कर लूंगी, इंड्यूस करंट अब आपके डायरेक्शन में ही पैदा हो जाएगा, जो क्या करेगा, आपके अप्लाइड करंट को क्या कर देगा, इंक्रीज। इसी तो बोलते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ यही तो था, आप जब करंट बढ़ाते हैं, बी बढ़ाते हैं तो बी बढ़ने नहीं देगी, जब घटाते हैं तो घटने नहीं देगी। तो आप हैरान होंगे देख के कि आपने इसमें करंट जो भेजा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर भेजा था, जब उसको 4 एम्पियर होना था रास्ते में तो 4 नहीं दिखा आपको, 3.5 एम्पियर दिखा। आप सोच रहे हो 0.5 कैसे गायब हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर इंड्यूस करंट ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो आपको अपोज कर रही है। और जब 5 एम्पियर होना था तो 4.5 दिखा। अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कॉइल अपने अंदर क्या पैदा कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन उल्टा भी ट्रू है, जब आप घटा रहे हो करंट 5 एम्पियर 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर, तो अंदर ही अंदर करंट जो है वो ये करने नहीं दे रहा, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कह रहा है कि मैं ठीक है मैं अपने करंट को ऐसे पैदा कर लूंगी अपने अंदर, ताकि मेरा फ्लक्स डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो। अब हैरानगी की बात ये है, जब आपका करंट 4 एम्पियर था 4.2 दिखा, जब 3 एम्पियर था 3.2 दिखा, जब 2 एम्पियर था 2.5 दिखा। करंट बढ़ रहा है, आप हैरान हो रहे हो करंट कैसे बढ़ गया, उल्टा मैं तो कम कर रहा हूं और ये उल्टा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉइल नहीं चाहेगी उसका फ्लक्स डिक्रीज हो। इस प्रोसेस को, जब एक कॉइल इंक्रीजिंग करंट या डिक्रीजिंग करंट को अपोज करती है क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि वो अपने ही अंदर क्या पैदा कर लेती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, सेल्फ इंडक्शन किसे बोलते हैं? तो अगर आप यहां पे देखें, ये देखो, सेल्फ इंडक्शन इज ए फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा होना इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, जब करंट क्या होगा, चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी जो आपको दिखाए। देखो ये कोई वेक्टर तो है नहीं कि मैं तुम्हें दिखाऊं इधर वेक्टर, ये इसका इधर वेक्टर कैंसिल कर दो, ये तो अंदर स्केलर है, ये तो अपने आप वैल्यूज को एडजस्ट करके आपको या तो ज्यादा वैल्यू दिखाएगा या आपको कम वैल्यू दिखाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो आपने शायद कभी नोट नहीं किया होगा लेकिन आज के बाद शायद आप नोट करें। आपने बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स देखी होंगी, फ्लड लाइट्स, स्टेडियम में जाएं बहुत बड़ी लाइट है,
ये सामने पार्किंग की लाइट्स हैं, वो देखो बहुत बड़े हेलोजन लैंप्स टंगे हुए हैं। जहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगती हैं, वो मान लो एक लाइट का बल्ब जो है वो 40,000 रुपये का बल्ब है, अब पीछे से करंट आ रहा है, करंट का कोई भरोसा नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम आ जाए। आपका करंट अगर ज़्यादा या कम हो गया, आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। सोचो साल में अगर 3 बार भी ख़राब हो गया, यार आप तो 1,20,000 रुपये इसी में लग, बल्ब ही चेंज करने में लगा दोगे, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप लाइट की डिज़ाइनिंग ज़बरदस्त करें। तो ऐसी लाइट्स के अंदर पीछे इंडक्ट एक सोलेनोइड लगा के दिया जाता है, ये सोलेनोइड मतलब पहले करंट किस में जाएगा, सोलेनोइड में, फिर बल्ब में जाएगा। आपको क्या फ़ायदा, अब देखो पीछे से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बल्ब है, पहले आपका जो सोलेनोइड है वो झगड़ा करेगा आपके इंक्रीजिंग करंट से, लड़ाई हो जाएगी कि ऐसे कैसे इंक्रीज कर दिया, ऐसे कैसे इंक्रीज कर दिया, मैं नहीं इंक्रीज होने दूंगी, पहले वो लड़ाई करेगा, तो सेल्फ ईएमएफ जनरेट करेगा और आपके करंट को बढ़ने नहीं देगा। तो आपने नोट किया होगा प्रैक्टिकली ये लाइट्स एकदम ऑन होने पे एकदम रोशनी देती नहीं है, फ्लड लाइट्स पहले धीरे 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 खुलती हैं और फिर मैक्सिमम पीक पे आती हैं, और इनको अगर बंद करना हो वो एकदम बंद भी नहीं होती, एकदम अंधेरा नहीं होगा, ये आपको दिखेंगी इसमें लाइट रोशनी दिखेगी, धीरे धीरे फ्लक्चुएट होती होती बंद होती हैं। अब रीज़न, अब सोचो ना अगर ज़्यादा करंट आ गया या कम करंट आया, सबसे पहले इंडक्टर ने संभाल, सोलेनोइड संभालना है, सोलेनोइड क्या करेगा, अपने झगड़ा करेगा, झगड़ा कर करके करंट को इंक्रीज करवाएगा। देखो बात तो उसकी, आपको सोलेनोइड को आपकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि करंट तो आप पीछे से दे ही रहे हो, आपको 0 से 5 एम्पियर करना है, 5 एम्पियर तो जाएगा लेकिन एकदम नहीं जाएगा। जब आप करंट 0, 1, 2, 3, 4 एम्पियर कर रहे हो तो यहाँ पर करंट कम जाएगा बल्ब में, तो धीरे धीरे बल्ब ऑन होगा। अब इसका फायदा यह है कि अगर पीछे से एकदम ड्रास्टिकली बहुत करंट आ गया तो उतनी लड़ाई इंडक्टर लड़ेगा उससे, अच्छा तूने मेरा करंट एकदम 0 से 10 एम्पियर कैसे कर दिया, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत हाई करंट पैदा करके तेरे करंट को कैंसिल कर दूंगा। तो बढ़िया है ना, हम तो चाहते हैं पहले झगड़ा हो, झगड़ा होकर स्टेबिलिटी आएगी, फिर करंट कॉन्स्टेंट आएगा, झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा गेम तब है जब करंट चेंज होता है। जब करंट चेंज होना पीछे से बंद हो गया, मैं पीछे से 5, 5, 5 एम्पियर सेंड करता रहूंगा, करंट कांस्टेंट हो गया तो बल्ब एकदम हाई उस पे चमक जाएगा। अब सोचो आपने करंट को ऑफ कर दिया, अब ऑफ किया बल्ब तो ऑफ हो जाएगा, पर इंडक्टर नहीं चाहता, इंडक्टर कहता जैसे कैसे बंद कर दिया यार, मैं तो करंट पैदा करूंगा। अब झगड़ा फिर शुरू हो गया, वो करंट पैदा करके क्या करेगा, बल्ब को ऑन रखेगा, पर ज़्यादा देर तक झगड़ा चलेगा नहीं क्योंकि पीछे सप्लाई तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, पर कुछ टाइम के लिए वो झगड़ा चलेगा और वो करंट पैदा करता रहेगा और फिर अल्टीमेटली बल्ब धीरे 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 ऑफ होगा। तो कई बार बहुत जल्दी ऑफ करने से भी फ्यूज उड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे लाइट्स के आगे एक चोक लगाई जाती है, आपने सुना होगा चोक, ट्यूब में भी लगती हैं चोक, चोक इज अ सोलेनोइड, इज एन इंडक्टर, तो चोक एक सोलेनोइड है, आपकी ट्यूब को फ्यूज होने से बचाती है। तो ट्यूब भी जो पुराने जमाने ट्यूब नहीं थी, चोक लगी होती थी जो फट्टी वाली ट्यूब थी, तो एलईडी आ गई हैं, वो धीरे धीरे करके ऑन होती थी, थोड़ा उसमें स्टार्टर भी होता था। अब नोट करना, जितने बड़ी बड़ी लाइट्स हैं वो एकदम ऑन कभी भी नहीं होंगी, मैंने आपको बता दिया। इवन अगर आप ये लाइट भी देखें जो लगी हुई है गोल लाइट, इसको खोल के देखें, इसमें भी चोक लगी हुई है छोटी सी, तो ये भी जल्दी फ्यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, पहले ये सोलेनोइड लगा हुआ है, पहले झगड़ा सोलेनोइड से होना है फिर इसे ऑन होना है, पर क्योंकि एलईडी है पावर कंजम्पशन कम है तो थोड़ा वो ऑन जल्दी होते हुए दिखेगी, पर नॉर्मल बल्ब थोड़ा टाइम लगाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये सोलेनोइड की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ये पूरा झगड़ा सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि करंट जब पीछे से कम होता है ये कम नहीं होने देगा, ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा भी नहीं होने देगा, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक?